फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सुंदर सा थालपोश बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स बनने के बाद। ऐसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो हमारा डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बना लेनी है। फिर हम क्या करना है, तीन चैन, एक दो तीन। फिर जो हमारे ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमें 23 डबल क्रोशिया बनानी है। ये तीन चैन बनाया है वो पहली डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हमें 23 डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमें 24 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो इस तरह हमें बाकी की डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर इसे हमें इस तरह खींच लेनी है। ये हमने इसे खींच लिया। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है फ्रेंड्स, उसे हमें हाइड कर लेनी है। इस तरह हमें हाइड कर लेनी है। एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है। फिर हम क्या करनी है, जो तीसरा चैन है वहाँ पे हमें जॉइंट कर लेना है इसे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, फिर बनानी है यहाँ पर हमें तीन चैन, एक दो तीन प्लस वन चैन। इस लाइन में हमें क्या करनी है, फिर जो अगली डबल क्रोशिया है वहाँ पे डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर एक चैन, फिर अगली डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया और एक चेन। इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पर बना लिया डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक दो तीन तीसरे चेन पर हमें ज्वाइंट कर लेनी है स्लिप स्टिच। फिर बनानी है हमें एक दो तीन प्लस दो चेन। फिर अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर अगली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया। इस लाइन में हमें दो चेन बनानी है और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे दो चैन बना लिया। फिर एक दो तीन तीसरे चैन पे हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। फिर यहाँ पे जो हमारा स्पेस है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच। फिर बनानी है एक दो तीन चैन प्लस एक चार चैन। फिर जो अगला स्पेस है वहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन, फिर एक चैन बनानी है। फिर अगली वाली स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें क्या करनी है, तीन चैन, फिर अगले वाली स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें, फिर एक चैन, फिर अगले वाले में हमें बनानी, अगले वाले में तीन डबल क्रोशिया बनानी है हमें, एक दो तीन, फिर एक चैन बनानी है। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर बनानी है हमें तीन चैन, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह हमें एक बॉक्स बनानी है। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनानी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर अगले वाले में हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन, फिर एक चैन बनानी है, फिर अगले वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। तीन डबल क्रोशिया के अगल बगल हमें एक एक चैन बनानी है। फिर हमें बनानी है तीन चैन, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। ये हमारा बॉक्स बन गया। फिर एक चैन बनानी है, फिर अगले वाले में तीन डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट करनी है। ये देखिए,
फिर बनानी है एक चैन, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। बॉक्स बन गए हमारे, फिर एक चैन, फिर अगले वाले में तीन डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरे चैन पे हमें इसे जॉइंट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनानी है, ये देखिए। फिर बनानी एक दो तीन चैन, ये डबल क्रोशिया के हमारे तीन चैन है, प्लस तीन चैन, एक दो तीन, टोटल हमने छः बनाया। फिर हमें क्या करनी है, ये जो हमारी डबल क्रोशिया है तीन, इन तीनों पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक दो तीन। फिर हमें बनानी है तीन चैन, एक दो तीन। फिर जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन। इस लाइन में हमें तीन तीन चैन बनानी है, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर ये तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, पिछली लाइन में हमने एक बॉक्स बनाया था, इस लाइन में हमें एक दो तीन बॉक्स बनानी है। ये हमने बना लिया। फिर बनानी है तीन चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, एक दो तीन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो इस लाइन में हमें तीन तीन बॉक्स बनानी है। ये देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरे चैन पे हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया। फिर स्पेस में हमें स्लिप स्टिच बनानी है। फिर हमें यहाँ पे छः चैन, दो तीन चार पाँच छः, फिर इन सभी पे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, एक दो तीन। फिर हमें क्या करनी है, फिर तीन चैन, एक दो तीन। फिर हमें डबल क्रोशिया पे नहीं बनानी है, जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर तीन चैन, फिर अगले वाले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, अगले वाले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। एक बॉक्स बनाया, तीन बॉक्स, फिर चार बॉक्स। ये देखिए, फिर बनानी है हमें तीन चैन, डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, स्पेस जो हमारा है उसमें डबल क्रोशिया बनानी है, फिर तीन चैन। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया, फिर छः चैन। फिर हमें यहाँ पे जो हमारी डबल क्रोशिया है, इन तीनों पर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। पिछली लाइन में हमने चार बॉक्स बनाई थी, एक दो तीन चार। इस लाइन में हमें पांच बॉक्स बनानी है। तीन चैन, जो स्पेस है वहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर जो हमारा स्पेस है उसमें डबल क्रोशिया, तीन चैन, स्पेस में डबल क्रोशिया, तीन चैन, स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर तीनों डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया। फिर तीन चैन, स्पेस में डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच, ये हमने यहाँ पर पांच बॉक्स बना लिए। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है, सेम प्रोसेस से। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
यहाँ पर हमें तीसरे चैन पे इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया। अब हमें क्या करनी है, तीन चैन, फिर जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पे हमें बनानी एक डबल क्रोशिया, फिर ये जो तीन है तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर जो अगली स्पेस है यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, टोटल हमने यहाँ पे बनाया दो तीन दो, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात डबल, सेवन डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाया। फिर हमें क्या करनी है, तीन चैन, पिछले लाइन में हमने पांच बॉक्स बनाया था, इस लाइन में हमें तीन बॉक्स बनानी है, डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, स्पेस में हमारा डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, स्पेस में डबल क्रोशिया, एक दो तीन, पिछली लाइन में हमने यहाँ पर पांच बॉक्स बनाया था, इस लाइन में हमें बनानी है एक हमारी इधर से, एक हमारी इधर से, एक दो तीन चार पाँच, चार बॉक्स हमारे यहाँ पे बनानी है हमें, एक दो तीन, जो लास्ट ये जो हमारी है यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, फिर इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर ये वाली बॉक्स में दो डबल क्रोशिया, टोटल में यहाँ पर सेवन डबल क्रोशिया बनानी है, बॉक्स हमारी घट जाएगी और डबल क्रोशिया हमारी बढ़ानी है, तीन का हमें सेवन करने लेना है, दो इधर हमें बढ़ानी है, दो इधर हमें बढ़ानी है, ये देखिए एक बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स, फिर हमने बनाया यहाँ पर चार बॉक्स घटते हुए। तो इसी तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया। फिर क्या करना है, यहाँ पे सभी पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, दो तीन चार पाँच छः ये सात, हमने सभी पे बना लिया। फिर हमें अगले बॉक्स में फिर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, सात आठ एक नौ, नौ हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पे पिछले लाइन में हमने यहाँ पे चार बॉक्स बनाया था, यहाँ पे हमें तीन बॉक्स बनानी है, तीन चैन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, तीन चैन, स्पेस में डबल क्रोशिया, ये देखिए एक दो ये तीन, ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया, एक फिर दो, दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है हमें, जो स्पेस है यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इन सभी पर एक एक डबल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच, सभी पे हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे नौ डबल क्रोशिया बनाया, ये दस ग्यारह, टोटल हमें यहाँ पे ग्यारह डबल क्रोशिया बनानी है, इसी स्पेस में बनाया, इसी स्पेस में बनाया, फिर हमें बनानी है तीन चैन, फिर स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर स्पेस में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे भी हमने बनानी है दो डबल क्रोशिया, यहाँ भी बनानी है, टोटल हमें यहाँ पे ग्यारह डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया एक दो, ये तीसरी बॉक्स हमें बनानी है। यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे नौ बनाया था, ये हमने यहाँ पे नौ डबल क्रोशिया बनाया था, जो लास्ट है हमारी यहाँ पे, यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, और फिर हमें यहाँ पे तीसरी चैन पे से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी टोटल यहाँ भी 11 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर अगली वाली में भी स्लिप स्टिच, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच चार, ये हमने चार, चार तक हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है। ये देखिए एक दो तीन चार,
हमें टोटल यहाँ पर रखनी है 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया हमें रखनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 चैन, फिर अगली वाली जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें 2 लूप ही लेनी है, फिर उसकी अगली वाली डबल क्रोशिया में 2 लूप लेनी है, फिर हमें ये 3 लूप ले लेनी है। इन 3 डबल क्रोशिया को हमने एक साथ ज्वाइंट कर लिया। फिर हमारी अगली जो 2 डबल क्रोशिया है उन पर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा स्पेस है जो बॉक्स है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, फिर बनानी है 3 चैन। यहाँ पर अब ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पर अभी से फिनिशिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बनाया था, तो हमें यहाँ पे 2 बॉक्स बनानी है। ये देखिए 1, 2, 3, फिर अगले वाले बॉक्स में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2। अब हमें क्या करनी है, ये हमने 2 बना लिया, फिर हमें यहाँ पे क्या करनी है, अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बनाया, तीसरी डबल क्रोशिया को हमें बनानी है। 3 डबल क्रोशिया तक हमने बना लिया, ये चौथी डबल क्रोशिया में हमें 2 लूप लेनी है और 5वीं डबल क्रोशिया में हमें 2 लूप लेनी है। इन तीनों को हमें ज्वाइंट कर लेनी है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था फ्रेंड्स उसी तरह हमें यहाँ पे करनी है। हमें अब क्या करना है फ्रेंड्स, इस फ्लावर को, इस डिज़ाइन को, ये देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हमें कंप्लीट करनी है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ से इस पोर्शन को अब हमें इसे इस तरह बनाना है। ये देखिए इसे हमें ये शेप देनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसे बना लिया, फिर 3 चैन, 1, 2, 3। अब इधर ही हमें इसे टर्न कर लेना है, हमें आगे नहीं जानी है, अब इधर से हमें टर्न कर लेनी है। टर्न करने के बाद फिर ये जो हमने तीनों जॉइंट किया था, ये देखिए यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, वो भी सिर्फ 2 लूप लेनी है, फिर अगली वाली डबल क्रोशिया पे भी 2 लूप लेनी है, फिर तीनों को हमें जॉइंट कर लेना है। फिर यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी पर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये हमने बना लिया, फिर हमें पिछले लाइन में हमने 2 बॉक्स बनाया था, यहाँ पे 1 बॉक्स बनानी है, तो इस बॉक्स में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 3 चैन, फिर अगले वाली बॉक्स पे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2। फिर हमें क्या करनी है, फिर बनानी है हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 हमने बना लिया। चौथी डबल क्रोशिया पे हमें आधी लेनी है, फिर ये जो हमने तीनों जॉइंट किया था यहाँ पे हमें आधी लेनी है, फिर जो 3 चैन हमने बनाया था उस पर भी हमें लेनी है, 2 लूप ही लेनी है, फिर इन सभी को हमें इस तरह पैक कर लेना है, सभी लूप को एक साथ ले लेनी है हमें। फिर हमें क्या करनी है, फिर 3 चैन, 1, 2, 3 चैन, फिर इसे हमें टर्न करना, फिर जो हमारा ये है ये देखिए यहाँ पे हमें बनानी है, 2 लूप लेनी है, फिर अगली वाली में 2 लूप लेनी है, फिर सभी को एक साथ ले लेनी है, फिर अगली वाली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, यहाँ पर जितनी भी है सभी पर डबल क्रोशिया बना लेनी है हमें। यहाँ पर ये सब आपको ध्यान से देखनी है कि मैं कैसे कर रही हूँ, फिर सभी पे डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर जो हमारा ये 1 बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3, फिर से यहाँ तक हमें, ये देखिए 1, 2, 3, यहाँ तक सभी पे हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। लास्ट की सिर्फ 3 डबल क्रोशिया हमें ज्वाइंट करनी है, लास्ट की 3 डबल क्रोशिया दोनों कॉर्नर पे, बीच में हमें 1 डबल क्रोशिया ही हमें बनानी है। ये देखिए हमने बना लिया, अब ये लास्ट की 3 है, इन तीनों को हमें ज्वाइंट करनी है, 2 ही लूप हमें लेनी है, 3 चैन बनाया है उस पर भी हमें लेनी है सभी को एक साथ, फिर 3 चैन, 1, 2, 3, फिर टर्न करनी है।
फिर सेम प्रोसेस, ये तीनों जो स्टार्टिंग की तीन हैं सभी को हमेशा ज्वाइंट कर लेंगे। फिर सभी पर एक एक डबल क्रोशिया, ये हमने बना लिया। यहाँ पे हमने बीच में कितनी बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया। फिर इन तीनों को हमें जॉइंट कर लेनी है, तो दो दो लूप लेनी है हमें। फिर 3 4 1 2 3 फिर टर्न करनी है, फिर बीच वाली जितनी है सभी पर एक एक डबल क्रोशिया। ये हमने टोटल यहाँ पर 8 बनाया बीच में। फिर तीनों को हमें जॉइंट करनी है, तीन चैन, फिर टर्न करनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 फिर इन तीनों को मैं ज्वाइंट कर लेनी हूँ। तीन चैन, फिर टर्न करनी है, 1 2 3 4 लाइन। हमें यहाँ पर बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। हमने 4 लाइन बना ली, 3 लाइन हमें और बनानी है। फिर तीनों को हमें जॉइंट कर लेनी है। हमने यहाँ पर तीनों जॉइंट कर लिया, फिर हमें बनानी है 1 2 3 4। ये हमने 4 बना लिया, फिर इन तीनों को हमें जॉइंट करना है। फिर 3 चैन, फिर इसे टर्न करना है, फिर तीनों को जॉइंट, फिर 1 2 फिर तीनों को जॉइंट करना है, 2 3 फिर 3 चैन, फिर इसे हमें टर्न करना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 इस बार हमें सभी को साथ में ले लेनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाली 6। हमारे यहाँ पर 6 हैं, सभी को साथ में ले लेनी है, 3 इधर की 3 इधर की 6 हो गई टोटल हमारी। ये देखिए 3 हमें इधर से घटानी थी, 3 इधर से घटानी थी, 3 छों को इन 6 डबल क्रोशिया को हमें साथ में घटा देनी है। ये देखिए इस तरह करके
धागे को हमें कट कर लेना है। ये धागा हमने कट कर लिया, इसे हम इस तरह लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है वो जो बैक साइड है उसे हमें इसे हाइड कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हमें ये डिज़ाइन को कंप्लीट करनी है। ये हमने यहाँ पे दो से स्टार्ट किया था, दो बनाया फिर एक बनाया, उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात लाइन हमने इसे फिनिश कर दी। फिर हमें अगली डिज़ाइन बनानी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमें स्टार्ट करनी है, फिर सेम प्रोसेस से उसे हमें बनाना है। तो पहले हमें धागे में नोट लगा लेनी है, हमने नोट लगा लिया। ये जो हमने यहाँ पे ये देखिए पाँच हमने बनाया था, पाँच डबल क्रोशिया हमने डिज़ाइन को बनाया था, तो हमें फिर क्या करनी है, इधर से काउंट करनी है एक दो तीन चार पाँच, बीच में हमें एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है, जो पाँचवीं है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेनी है। फिर बनानी है तीन चैन, फिर सेम प्रोसेस इन तीन डबल क्रोशिया को हमें ज्वाइंट करनी है एक साथ, तो एक दो ये तीसरी मैंने ले लिया, दो दो लूप लिया, फिर तीनों को एक साथ ले लेनी। ये तीन डबल क्रोशिया हमारी ज्वाइंट हो गई। फिर ये जो दो डबल क्रोशिया, इन दोनों पर एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर हमें जो स्पेस है यहाँ पे डबल क्रोशिया दो, जिस तरह हमने इसे बनाया सेम प्रोसेस से हमें अगली डिजाइन भी बना लेनी है। फिर एक तीन चैन स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन स्पेस में डबल क्रोशिया, तीन स्पेस थी हमारी, तीन बॉक्स हमने यहाँ पे दो बॉक्स बनाया। फिर यहाँ पे हमें जो हमारी स्पेस है यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, फिर स्टार्टिंग की तीन डबल क्रोशिया हमें बनानी है एक दो तीन, फिर जो अगली दो है उसमें हमें दो दो लूप लेनी है, ये देखिए, फिर तीनों को जॉइंट कर लेंगे। फिर तीन चैन एक दो तीन, फिर से हमें टर्न करना है, फिर सेम प्रोसेस से इसे हमें बनानी है जिस तरह हमने ये बनाया, तो इसी तरह हमें इसे बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल कितने बनाए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल हमने यहाँ पे आठ डिज़ाइन बनाया है फ्रेंड्स। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप चाहें तो फ्लावर या मोती आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये बन के तैयार हो चुका है हमारा, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। हमारे जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसे हमें पीछे की तरफ हाइड कर लेनी है। ये देखिए ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, और बनाने से बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको ये कैसा लगा है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स इस वीडियो को फ्रेंड सर्कल में फैमिली सर्कल में शेयर करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।